हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल की बहुत ही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं हम लोग पेरिफेरल डिवाइस, और ये देखेंगे कि कौन कौन से डिवाइस जो है कंप्यूटर में अटैच्ड होते हैं जिसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके डेफिनेशंस क्या है। पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर इंटरनली और एक्सटर्नली। इसका मतलब है कि हमारा जो कंप्यूटर है, जो मेन कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, और इस सीपीयू से कनेक्टेड कुछ डिवाइस होता है इंटरनल, मतलब सीपीयू के अंदर या सीपीयू के बाहर, जो कंप्यूटर का मेन प्राइमरी फंक्शन है कंप्यूटिंग, उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता। वैसे सारे डिवाइसेस को हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो कंप्यूटिंग का जो काम है, सीपीयू के अंदर एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर एक्चुअल में जितने भी कैलकुलेशन या कंप्यूटिंग का जो वर्क है वो सारा का सारा काम प्रोसेसर करता है, और प्रोसेसर अकेले सारे कैलकुलेशन को करता है, उसमें किसी का वो मदद नहीं लेता, सिर्फ असिस्टेंट करता है। तो देखते हैं आगे कि कौन कौन से डिवाइस है जो पेरिफेरल डिवाइस के रूप में काम करते हैं। पहला डिवाइस है मॉनिटर। ऐसा मॉनिटर आपने देखा होगा, स्क्रीन के ऊपर जो भी डिस्प्ले या जो डिस्प्ले करने का जो काम करता है वो मॉनिटर करता है, ये पेरिफेरल डिवाइस है। कीबोर्ड भी पेरिफेरल डिवाइस का एग्जांपल है, जिसके माध्यम से डेटा इंटर किया जाता है। यदि कीबोर्ड ना हो उसके बाद भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के माध्यम से डेटा एंट्री की जा सकती है। माउस भी पेरिफेरल डिवाइस का एग्जांपल है। इस डिवाइस के बिना भी कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस बोलेंगे। प्रिंटर यदि कंप्यूटर में अटैच नहीं है फिर भी जो प्रोसेसर है वो काम कर सकता है, इसलिए प्रिंटर भी एक पेरिफेरल डिवाइस है। अगला डिवाइस है आपका स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग डिजिटल रूप में कन्वर्ट करते हैं, और इस डिवाइस के कनेक्ट नहीं होने के बावजूद भी कंप्यूटर काम कर सकता है, इसलिए ये भी डिवाइस क्या हो जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस। अगला डिवाइस है पेन ड्राइव। आप जैसे जानते होंगे पेन ड्राइव के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा कॉपी करना या ट्रांसफ़र करने में मदद करता है ये। इसके कंप्यूटर में अटैच्ड होने या ना होने से कंप्यूटर के कंप्यूटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये भी एक पेरिफेरल डिवाइस है। नेक्स्ट है सीडी या डीवीडी ड्राइव। ये भी कंप्यूटर के अंदर सीडी या डीवीडी को प्ले करने के लिए अटैच किया जाता है, लेकिन यदि सीडी या डीवीडी कंप्यूटर में नहीं हो फिर भी हमारा जो प्रोसेसर है वो ठीक ठीक काम कर सकता है, इसलिए सीडी और डीवीडी ड्राइव या सीडी या डीवीडी खुद भी ये पेरिफेरल डिवाइस है। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। होप आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।